हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राम राम। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां के लोगों ने मेहनत करके उस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, पूरे के पूरे गांव को। उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डूंगरजा। ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे, उस गांव का नाम है डूंगरजा और वो पड़ता है दिगोद के पास। मतलब आप दिगोद जाएंगे, दिगोद के आगे आपको कंवरपुरा पड़ेगा, देन कंवरपुरा को क्रॉस करके गांव पड़ेगा डूंगरजा, जहां पर है कमल सरोवर। उस जगह को वहां के लोगों ने मेहनत करके बना दिया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और कैसे बनाया उसको? वो जो है कोटा टू बरा वाला हाईवे, एक्चुअली कोटा टू बरा हाईवे जो है उससे आप दिगोद की तरफ मुड़ोगे। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे डेस्टिनेशन बनाया। अच्छा, एक कीचड़ वाला एक बहुत बड़ा इलाका था, उसकी उन्होंने मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदने के बाद एक टापू बनाया, यानी कि आसपास उसके तालाब है, बीच में टापू है, वहां पे हनुमान जी का मंदिर उन लोगों ने स्थापित किया और वहां 25 साल से अखंड रामायण का, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मतलब उन्होंने क्या किया कि मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदने से एक्स्ट्रा मिट्टी तो बनेगी वहां पे, उस मिट्टी को ही टापू के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो मंदिर है हनुमान जी का, उसके आसपास पूरा पानी रहता है, कमल के फूल उगते हैं क्योंकि नाम ही कमल सरोवर है। तो इतनी शांति मिलती है क्योंकि काफी चौड़ाई में है वो जो तालाब है, तो गाड़ियां वगैरह भी काफी दूर से निकलेंगी, तो अगर आप वहां पे बैठे हो शांति से तो आपको चिड़ियों की आवाज, तोते की आवाज, यही सब आएगी, कोई शोर शराबा कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कितना दूर पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल बताओ आप, तब तक मैं बता देता हूँ। नाम भी जो है उसका कमल सरोवर है, और एक बाबा थे, साधु थे, जिनका नाम कमल दास जी महाराज था, उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी और 1996 से वहाँ पे अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। तो ये जो जगह है कोटा से, मैं भी डाल रहा हूँ, 37 किलोमीटर है हमारे घर से। अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 40 किलोमीटर मान सकते हैं। डूंगरजा मैंने सर्च किया है, बाकी हम वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लगता रहे कि कहाँ पे जाना पड़ेगा। सड़कों के वीडियो बना देंगे थोड़े। हाँ, थोड़ा बहुत। और डूंगरजा से देखो मतलब क्या है, राजस्थान में जो आपने एक वो धोरे नाम से शब्द सुना होगा, डूंगर नाम से सुना होगा, जो टीले होते हैं रेत के बड़े बड़े, तो उस गांव का नाम भी डूंगरजा है और वहाँ टीला भी है, तो शायद उसी से कोरिलेट करके उन्होंने नाम गांव का नाम डूंगरजा रखा, उसी से कोरिलेट करके उन्होंने गांव का नाम डूंगरजा रखा, या फिर गांव का नाम डूंगरजा होगा पहले से ही, उन्होंने एक डूंगर बना दिया अपनी मेहनत करके। अभी तो हम घर के छत पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रखा है, थोड़ा हरियाली पसंद है इस वजह से, तो बाकी का वहीं चल के आपको बताते हैं कैसा हमें मिलता है, क्योंकि हम बारिश में तो जा नहीं रहे हैं, गर्मियों के टाइम में जा रहे हैं हम, तो देखो कैसा मिलता है, बताते हैं आपको। बिल्कुल, ओके बाय। अगले लो तांगो दिरे मन मोर मनोहर थानो मलो हाडो दिरो दे चामल काड़ी थिन अंडेरी परवन घोड़ा पदार पार्वती जन रोड़ी नदिया देदी दूध की धार गंगा मैया माने प्यारो लगे निर्मल तारो नीर पाटन में के दूराई बरा दे कोटा में मथुरा दे रंगबाड़ हनुमान जी रे रंगबाड़ हनुमान जी रे डूंगर डाडे दे माई रे आडो तीरो हिवड़ो फिर दो माने प्यारो लगे दे राम जय राम जय जय राम आए परता ने कोई को उद्देश्य जन्मभूमि मंगपुरी सुहावन भूतल। राम प्रसाद नागर मेरा नाम है, छोटा सा गांव है डूंगरजा जिसका नाम है, कमल सरोवर धाम है, तहसील हमारी दिगोद है, जिला कोटा में आती है, राजस्थान प्रांत है, देश हिंदुस्तान है, सभी को होली का प्रणाम है। सरोवर के बीच में एक कमल सरोवर एक टापू था,
जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा थी। एक संत जी कमलदास जी पधारे और उन्होंने यहाँ आकर के रामायण पाठ प्रारंभ किया। एक समय की बात है कि इतना बारिश हुई तो हमारे जो कुटिया थी रामायण की उसमें मतलब पानी भर गया पूरा में और रामायण का तख्त भी आधा पानी से डूब गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चलती रही, हम घबराए नहीं। आज तो 26 साल हो गए साहब, हमारे सांसद साहब रघुवीर सिंह कौशल जी यहाँ आए, उनसे कहा साहब यहाँ पर ये नाव डूब जाती है, रामायण पढ़ने वालों को दिक्कत होती है, तो एक यहाँ सत्य बन जाए। तो उन्होंने 1,00,000 रुपये हमें दिए और 1,00,000 रुपये से हमने यहाँ पर ऐसा सेतु बनाया। आज तो यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ इसे मतलब संत कुटिया संत यहाँ जो भी बाहर के आते हैं ना, तो उनके लिए हमने व्यवस्था करी है, रात में रहे रामायण पढ़े और जाए उनके खान पान की सबकी व्यवस्था होती है। मुझे सरपंच बना गया गाँव वालों ने, तो नरेगा में मैंने यहाँ पर मन से काम किया और 1100 फुट लंबे घाट इस सरोवर में बना दिए, चारों तरफ पक्का सरोवर बन गया। और उसके बाद फिर वहां पर नरेगा गार्डन भी बनाया जिसमें मिट्टी डाल करके उस टापू को विस्तारित कर दिया और कम से कम 2 हेक्टेयर का जिसमें हमने गार्डन विकसित कर दिया। मेरा नाम रघुनाथ नागर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, स्थानीय ग्राम निवासी। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक नियमित 1 घंटा पाठ करने वाले पाठक होते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 4 बजे तक प्रतिदिन के 3-3 व्यक्ति इस पाठ में भाग लेते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे गांव वालों ने यहाँ का कार्यभार सौंप दिया, तो इसमें रामायण की व्यवस्था, प्रसाद आदि की व्यवस्था की देखभाल मेरे द्वारा की जाती है। रामायण पाठ के साथ साथ यहाँ पर बाबा कमलदास जी के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से यहाँ पर एक सुंदर वाटिका भी विकसित की गई। रामायण की व्यवस्था में फूल जो अखंड ज्योति यहाँ पर चल रही है वो भी लगातार उसी समय से चल रही है, उसकी व्यवस्था अलग व्यक्ति को दे रखी है। रामायण की इनकी व्यवस्था मेरे द्वारा देखी जाती है और जो बगीचा यहाँ पर लगा हुआ है सुंदर वाटिका है उसकी व्यवस्था हमारे पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी नागर द्वारा देखी जाती है, उनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर इसके साथ साथ ही प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक योग की कक्षा भी यहाँ पर लगती है और उस योग की कक्षा को हमारे यहाँ की सुदामा जी गोबीलाल जी नागर वो उस व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े संत ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ का दर्शन लाभ भी लिया है। निशा सिरानी भय उबिनु सारा लगे भालु कपिचारहिं द्वारा सुबट बोलाए दसानन बोला रन सन मुक्त जाकर मन डोला सो अब इर बरु जागु पराए संजुग विमुख भय न बला। 100 पौधे आपने बताए थे आम के ना, और 125 पौधे अनार के, ये अनार। अच्छा, और उसके अलावा कोई औषधीय पौधे भी है क्या यहाँ पर? नींबू है और वह लसेड़ा है। अच्छा, और जामुन है। जामुन 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 है। अच्छा, मैं गुरु जी से निवेदन करूं, गुरु जी अपने अतिथि आए तो एक गुलाब का फूल भेंट करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी क्वालिटी के, मैं वहाँ नानता फार्म से गया था, वहाँ से अच्छी क्वालिटी का आम लाए। 15 साल हो गए जब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मजदूर लगा करके, पानी पिला करके, दवाई छिड़ करके, खाद भी सब अपने व्यक्तिगत, किसी का सरकार से कोई सही। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये गुरु जी करे थे टी मैन के नाम से मेरे को। अच्छा, राजस्थान वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र, हाँ वृक्ष मित्र। राजस्थान का जो हरियाणा राजस्थान का कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट हुआ था। तोते भी खूब सारे हैं यहाँ पे, मेरी नजर पड़ी, तोते वगैरह भी खूब हैं यहाँ पे। तो तोते चिड़िया पक्षी तो बहुत हैं, सब कुछ चिड़चिड़ाहट होती है। ये भैया ने बूटे भी थे हमको खेत के, बहुत शानदार। और वो अभी जो उधर दिख रहे हैं ना, वो राजा वाले
वो बाद में भजन सुना के बताएंगे हमें, तो वो भी उसमें भी डलेगा। आराम से बगीचे में जाएंगे और बगीचे में भजन सुनेंगे। तो ये जगह बहुत अच्छी है, अगर आप लोग पिकनिक वगैरह बनाने आना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं तो पीछे भोजनशाला दिखाई आपको, और अगर बारिश वगैरह का सीन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पूरा दिख रहा है बहुत अच्छे से पैक है, ये भी मिल जाएगा। मतलब ऐसी जगह आपको शहरों में नहीं मिलेगी, अंडररेटेड जगह लेकिन बहुत खूबसूरत जगह। बाकी फिर स्पेशल अगर भोजन करना चाहो अलग से।